हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एक वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है मदरसन सोमी वायरिंग से रिलेटेड, वायरिंग इंडिया जो कि इंडिया का बिजनेस यहाँ पर जो वायरिंग से रिलेटेड मदरसन सोमी का है वो यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। क्या व्यू है क्या नहीं है वो इससे रिलेटेड बात आपको बातें यहाँ पर बता दी गई है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। बट इसमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर मैं एक बार आपको उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। देखिए, 10 दिन तक ये ट्रेड टू ट्रेड में चलेगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अपर लोअर सर्किट लग सकते हैं। अगर लगते हैं तो याद रखिएगा, जिस दिन 9वां या 10वां दिन हो उस दिन भी बाइंग आप शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर लोअर सर्किट में ही नीचे आए तो अपर सर्किट में ऊपर जाएगा, क्योंकि छोटा स्टॉक्स है, इसी तरीके से चीजें होती है और बेहतरीन बिजनेस है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक एक और स्टॉक्स था, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, ये भी कुछ स्टॉक्स है, ये भी स्टॉक्स मार्केट में इसी तरीके से आता हुआ दिखाई दिया था। आने के बाद इस स्टॉक्स में जब ये डीमर्जर हुआ था, डीमर्जर के बाद यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लगे थे और आज भी यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पे ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर आरती सर्फेक्टेंट एक स्टॉक्स है, आरती इंडस्ट्री से यहाँ पर ये डीमर्जर हुआ था। उसके बाद चीजें यहाँ पर किस तरीके से गई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट। बट ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पर बुल रन चल रहा था। ओके, जब यहाँ पर मार्केट बुल रन में चल रही थी उस टाइम की बात है। बट अभी बुल रन खत्म हो चुका है तो अभी आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। बट स्टिल यहाँ पर आपको अच्छे बिजनेस को चूज करना है और मदरसन सोमी वायर इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन बिजनेस है। बेशक से लोअर सर्किट लग गया है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, कोई अगर चीज नीचे जाती है तो आप किसी बिजनेस पर पैसा लगाते हैं। ओके, आप यहाँ पर स्टॉक्स के नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर पैसा नहीं लगाते। यहाँ पर मैंने भी पैसा लगाया और यहाँ पर पैसा किस लिए लगाया? एक तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो विवेक सिंगल साहब है, ओके, उनके ऊपर पैसा लगाया है, एज वेल एज कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न दी है। आप यहाँ पर जाएंगे मदरसन सोमी यहाँ पर डालेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर कंपनी ने मैक्सिमम पे जाइए तो देखिए 1,12,566% के रिटर्न दिए है। और इसमें से जो ये रिटर्न है उसमें ये वाला बिजनेस भी इंक्लूड है और ये बिजनेस को ये और एक्सपेंड करेंगे। आज अगर आपने इनकी कमेंट्री सुनी होगी विवेक सिंगल साहब की तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो घबरा के यहाँ पर बेचना नहीं है, चीजें बेचने से यहाँ पर पैसा नहीं बनता। लगता है कुछ टाइम तक ये मार्केट थोड़ा सा 2022 में बहुत वॉलेटाइल रहेगी, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस हो, बट जब चीजें ऊपर जाना शुरू करेगी तो यू विल बी द विनर। क्यों? क्योंकि पेशेंस का ही सारा काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है, क्योंकि हम सीखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम यहाँ पर और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर अगर बात करें, डेली वाइज वीडियो आती है तो यहाँ पर वीडियोज को जाके देखिए। देखिए यहाँ पर आपको कल वीडियो बनाई थी, यहाँ पर 10% का अपर सर्किट अगेन लगता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर चीजें अगर सीखेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल्स की बात करें तो काफी टाइम तक ये शेयर ऊपर गया, ऊपर जाने गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, फिर लॉकडाउन की न्यूज, और यहाँ पर अब लॉकडाउन ओपन अप होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें दोबारा से नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। जब से जब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग होटल में स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन होटल्स एक बेहतरीन टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी की तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन होटल्स कंपनी इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स प्लेसेस एंड रिसोर्ट। यहाँ पर बड़े बड़े, यहाँ पर ताज होटल का भी नाम सुना होगा, इसी का ही एक पार्ट है। इसके अलावा पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप, आईएसए बिलोंग टू द टाटा ग्रुप कॉन्ग्लोमेरेट्स विच ओन्स मोर देन 100+ कंपनीज एंड ये सब चीज आपको पता ही है, टाटा ग्रुप का पार्ट है। इसके अलावा ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करें तो IHCL ओन्स सेवरल आइकॉनिक होटल्स विच इंक्लूड ताज विवांता जिंजर सिलेक्शंस एज वेल एज एक्सप्रेशंस एंड सेवरल अदर ब्रांड्स यहाँ पर इन्होंने ओन कर रखे हैं। इन टोटल टू द कंपनी हैज 22 सब्सिडरीज है इनके पास, 6 एसोसिएट्स एंड 8 जॉइंट वेंचर, अलग अलग कंपनी का जॉइंट वेंचर कर रखा है। द ब्रांड
ताज हैज बीन हेल्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन इंडिया फॉर द ईयर 2020 बाय द ब्रांड फाइनेंस। तो अगर हम बात करें ताज का, आपने नाम सुना ही है, मुंबई का ताज होटल और यहाँ पर दिल्ली का ताज होटल और दूसरी प्लेसेस पर ताज होटल्स आपने देखे ही है, वो सारे इसी के यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कंपनी काफी बेहतरीन है और जब ओपन अप की थीम चालू है तो यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होना ही है, शेयर को ऊपर जाना ही है। तो बट आपको क्या करना है, आपको करना है टाइम पे प्रॉफिट बुक, वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट कैप की बात करें 30,636 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट की बात करें 1.84% का डेट भी है। प्लेजिंग की बात करें कोई भी यहाँ पर प्लेज नहीं है। तो 236 रुपए से शेयर यहाँ पर 232 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 236 का भी 52 वीक हाई था। और अगर हम यहाँ पर देखें शेयर काफी बेहतरीन यहाँ पर हमें नजर भी आता है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 62 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी भी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए कंपनी में बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपके लिए ये लॉन्ग टर्म का प्रेफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म बने रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको क्या करना क्या है, आपको एक प्रॉफिट मिला, आपके टारगेट अचीव हुए, आपने एग्जिट करी पोजिशन, दोबारा आपके लेवल पर आया, आपने बाइंग किया, फिर वहां पर आपका टारगेट अचीव हुआ, फिर सेल किया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ये शेयर क्यों बताया जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे पहले तो ओपन अप हो रहा है। ओके, यहाँ पर जिस तरीके से क्राउड पहले था वो क्राउड दोबारा आ रहा है और यहाँ पर कंपनी काफी टाइम बाद जब दोबारा चलती हुई नजर आएगी तो अपने प्रीवियस लेवल या प्रीवियस जिस तरीके से ऑक्यूपाइड रहते थे इनके होटल्स, प्रीवियस जो इन्होंने बिजनेस किया था उसी के लेवल पर आने की कोशिश करेगी। जब वो कोशिश करेगी तो इनके नंबर्स अच्छे आएंगे और जब नंबर्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना है। तो सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की सेल्स अच्छी खासी यहाँ पर 2019 में चल रही थी, 2020 में पैंडमिक आया, बिल्कुल सेल्स खत्म होती दिखाई दी। और दिसंबर 2021 की बात करें तो अगेन पर काफी क्वार्टर बाद हाईएस्ट एवर यहां पर नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि लगातार घाटा दिखा रहा था, 76 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में करती हुई दिखाई दी है फाइनली आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए यहां पर क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे यहां पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिट कंपनी घाटे से प्रॉफिट में ही है साल भर साल दर साल में। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। सेल्स की बात करें कंपनी के सेल्स यहां पर बढ़ रहे हैं। यहां पर अदर इनकम कंपनी की यहां पर देख सकते हैं 108 करोड़ की है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा खासा था। ओके, यहाँ पर बट यहाँ पर पैंडमिक की वजह से कम होता हुआ दिखाई दिया। अगेन दोबारा कंपनी यहाँ पर काम करना शुरू करेगी। तो जो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रही थी 2-3-4 साल पहले, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर और जो अभी घाटे में चल रही है दोबारा प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी क्योंकि प्रॉफिट आना शुरू हो गया। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के यहाँ पर 3,132 करोड़ के थोड़े से घटते हुए नजर आया क्योंकि होटल इंडस्ट्री में यहाँ पर आपको पता है किस तरीके से प्रॉब्लम आई थी। बोरिंग की बात करें, इनकी बोरिंग थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है बट वर्किंग प्रोग्रेस में 209 करोड़ रुपए है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट यहाँ पर कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, सॉरी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का 1,358 करोड़ का है। कैश की बात करें कंपनी का 268 करोड़ है और टाटा का नाम पीछे लगा हुआ है तो कंपनी पैसे की कोई कमी नहीं है, इस चीज को याद रखिए। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी लास्ट क्वार्टर में भी बढ़ाई है। 40 यहाँ पर देखिए 40.75 से 41.05 करती हुई नजर आए। FIs की होल्डिंग वो बढ़ती हुई नजर आई है। DIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है बट स्टिल 25% की होल्डिंग है। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें 18% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। बट 18 में भी बात करें तो रेखा झुंझुनवाला और राकेश झुंझुनवाला मतलब दोनों को मिलाकर 2.16% की होल्डिंग स्टिल यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 16% की हिस्सेदारी नजर आती है यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के पास, उसमें ही बड़े बड़े लोग इंक्लूड होंगे। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन होटल्स की तो इंडियन होटल्स यहाँ पर ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है क्या और आपको करना क्या है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन होटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़े क्रूशियल लेवल पे अच्छे खासे RSI लगभग 69 की RSI 6965 के RSI पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये शेयर अगर इस लेवल को निकालता है, एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या प्राइस है, तो अगर यहाँ पर 237.4 मतलब 238 को अगर ये क्रॉस करता है और अभी शेयर प्राइस चल रहा है 231.95, तो अगर ये इन लेवल को क्रॉस करता है, सबसे पहले लेवल इसे यहाँ पर क्रॉस करना है 235 का, ओके, जो कि इसने कल बनाया था 235.8, तो ओवरऑल इसे ब्रेकआउट के लिए 238 तक जाना जरूरी है और 238 से ऊपर जाना शुरू करता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ये इस शेयर में ऊपर की तरफ आप बढ़त देख सकते हैं। और वॉल्यूम की बात करें कंपनी की, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अच्छे खासे आई है। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो चुपचाप निकलना है,
टू बी वेरी फ्रेंक, क्योंकि जब भी इस तरीके की रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर चीजें नीचे आई है, ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ चीजें नीचे आई, अभी ग्रीन कैंडल है ऊपर जा के देखते हैं, अगर ऊपर जाता रहता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चीजें ऊपर जानी है। बट यहाँ पर जब भी आपको काम करे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है, जो प्रीवियस इसका लो था उधर यहाँ पर आपको लगानी है 219 के आसपास, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और चीजें ऊपर जाने की बात करें तो यहाँ पर ऊपर साइड अपसाइड दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, जस्ट बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और कंसोलिडेशन होने के बाद जब चीजें ऊपर निकलेगी तो याद रखिए अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और फिर जब भी यहाँ पर रेड कैंडल बने बीच में ऊपर जाने के बाद तो आपको वहां पर एग्जिट करनी है पोजीशन। क्यों? क्योंकि अगली बार के क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके से आएंगे नोबडी नोज, बट अच्छे रिजल्ट आते हैं तो याद रखिए यहाँ पर चीजें दोबारा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं देख के, बट एग्जिट का अगर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो आप एग्जिट की पोजीशन ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर कंपनी इसी तरीके से आपको यहाँ पर प्ले करना है, अगर 238 को यहाँ पर क्रॉस करता है तो एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देगी, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर से आ सकती है 2-4-5 दिन के अंदर अंदर, और चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। बट स्टिल बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेनी है। यहाँ पर केवल सीखने के पर्पज से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर किस तरीके से आप स्टॉक को चूज कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। बार बार यहाँ पर स्टॉक्स नीचे के लेवल पर भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट चीजें अभी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ब्रेकआउट यहाँ पर इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, ब्रेकआउट के यहाँ पर किनारे पे खड़ा हुआ है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा या यहाँ से नीचे जाके चीजें दोबारा नीचे आएगी और नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट और ऑल को नोटिफिकेशन को ऑन, हमारे फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।